नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर राजस्थान में भारी बारिश को लेकर आ रही है। भारी बारिश की वजह से लगभग आधे राजस्थान में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। आप वीडियो में दोस्तों लाइव देख सकते हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। NDRF, SDRF और आर्मी भी दोस्तों उतारनी पड़ी है। चक्रवाती तूफान की वजह से दोस्तों इतनी भयंकर बारिश हुई है। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें जलमग्न हो गई हैं और दोस्तों साथ ही तेज रफ्तार से हवा भी चली है, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो धराशायी हो गए हैं। कच्ची बस्तियों पानी घुस गया है। आम जन जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात में तबाही मचाने के बाद बिपरजोय तूफान अब राजस्थान में कहर बरपा रहा है और राज्य के जालौर, सिरोही और बाड़मेर जिलों में तूफानी तांडव से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तीनों जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इन जिलों के कुछ इलाकों में अब तक 10 से 13 इंच यानी कि दोस्तों लगभग 1.25 फुट बारिश हो चुकी है। बाड़मेर में तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूब गए, वहीं पाली में करंट लगने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस कारण दोस्तों आपको बता दें कि बारिश के साथ साथ आप अलर्ट भी रहें। बिपरजोय का सबसे ज्यादा असर जालौर के सांचौर जिले में देखने को मिला और यहां पर भारी बारिश की वजह से जो सूरवा बांध है वो भी टूट गया। बांध टूटने से नर्मदा लिफ्ट नहर में भी दोस्तों पानी बढ़ गया है और बाद में इससे नहर भी टूट गई है। वहीं दोस्तों बता दें कि शहर में फंसे लोगों को SDRF की जो टीमें हैं वो सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रही हैं। जालौर में करीब 25 लोग निम्बावास नदी के पास फंस गए थे, वहीं रतनपुरा में जलभराव वाले इलाकों में 3 लोग फंस गए थे। लगातार दोस्तों जो टीमें हैं वो रेस्क्यू कर रही हैं। जबरदस्त बारिश हुई है पाकिस्तान से सटे राजस्थान में भी। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहां से वीडियो देख रहे हैं बता